दिलों का सहारा बाबा है हमारा, दिलों का सहारा बाबा है हमारा, घर ले जाने आया है दोबारा, घर ले जाने आया है दोबारा, दिलों का सहारा बाबा है हमारा, दिलों का सहारा। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर 2020, जो रिवाइज हो रही है 9 अप्रैल 1986 को बाबा ने सुनाई थी, संडे की है। अव्यक्त मुरली, मीठे मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज का विषय है सच्चे सेवाधारी की निशानी। आज बाबा के मुरली विशेष चल रही है कि सच्चा सेवाधारी कौन होता है, उसे कैसे पहचानेंगे। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपनी धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। ऐसा क्यों? शिव बाबा है ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्र। क्या मतलब हुआ? चंद्रमा को अपना कोई प्रकाश नहीं, चंद्रमा को अपना कोई प्रकाश नहीं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य तो स्वयं प्रकाश देता है, परंतु चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ब्रह्मा बाबा के पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, शिव बाबा के ज्ञान से वो चमकता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा जो है वो है ज्ञान चंद्रमा, और शिव बाबा जो है वो है ज्ञान सूर्य। तो दोनों बाप दादा दोनों जो है अपने धरती के तारामंडल में, अपनी धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। ये धरती के सारे तारामंडल है, और उसके अंदर किन को देख रहे हैं? आत्मा, सितारों को देख रहे हैं, और उन सितारों की क्या क्या विशेषता है उसको भी देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं, सितारे भी सारे अलग अलग हैं। नंबर एक, सितारों के प्रकार बता रहे हैं। नंबर एक, कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, ज्ञान के पॉइंट्स उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन रहता है, ज्ञान के सितारे हैं। कोई सहज योगी सितारे हैं, उनका योग सहज योगी हैं। तीसरे, कोई गुणदान मूरत सितारे हैं, गुणों को अपने जीवन में धारण किया और वो गुण दूसरों को देते रहते हैं। तीन, चौथा है कोई निरंतर सेवादारी सितारे, लगातार सेवा में लगे रहते हैं, रात दिन उनको एक ही भूत सवार रहता है, निरंतर सेवाधारी। कोई सदा संपन्न सितारे हैं, सदा संपन्न भरपूर, कोई कमी नहीं। छः, सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे, सबसे जो श्रेष्ठ सितारे हैं, जो हर सेकंड सफलता के सितारे हैं, कोई भी सेकंड उनका वेस्ट नहीं जाता, हर सेकंड वो सफलता के सितारे। सात, साथ साथ कोई कोई तरफ उम्मीद के भी सितारे, उम्मीदों के भी
और उनमें उम्मीद है कि चलो हो जाएंगे, अभी नहीं तो कल थोड़ी देर बाद। हम उम्मीद के सितारे भी हैं बच्चे, उम्मीदों के सितारे। आठ, कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। कभी वो उम्मीदों के सितारे बन जाते हैं, कभी सफल हो जाते हैं। वो तो खाली उम्मीद पर लगे हुए हैं कि हमें भी, हम भी कभी मौका मिलेगा। और ये आठ नंबर वाले कौन हैं, तो कहीं तो वो उम्मीद वाले सितारे बन जाते हैं कि कभी मौका मिलेगा हमें, और कभी कभी वो सफल भी हो जाते हैं। दोनों में महान अंतर है, दोनों में महान अंतर है, लेकिन हैं दोनों सितारे। और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ता है। जितने भी सितारे हैं, जैसे भी सितारे हैं, उनका अपने अपने योग्यता के हिसाब से विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर और क्या कहते हैं, अपना अपना प्रभाव पड़ता है। और जब विश्व की आत्माएं कहा जाता है, चाहे पशु आत्माएं हों, चाहे पक्षी आत्माएं हों, चाहे जीव आत्मा, सभी जीव जंतु की आत्माएं हों, सभी आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं, उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत और कभी मेहनत, कभी मोहब्बत कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। कभी मोहब्बत और कभी मेहनत। मोहब्बत और मेहनत में क्या अंतर होता है? मोहब्बत में अपने आप होता है वो चीज़, जब हमें किसी से प्यार होता तो ऑटोमेटिक हम उसके प्रति समर्पित होते हैं, और मेहनत में सोच सोचिए जब मोहब्बत होती है तो सहज होता है, खुशी से करते हैं। और मेहनत, जब मेहनत लगती है तो मोहब्बत नहीं होती। मेहनत का मतलब है मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार है तो हर काम बड़ा आसानी से सहज होगा, प्यार नहीं है तो उस काम को करने में मेहनत लगेगी, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो मोहब्बत होगी या मेहनत होगी। दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछे, हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूं। सभी में ज्ञान योग गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, सब में है, लेकिन सब होते हुए भी किस में ज्ञान की चमक है तो किस में विशेष याद योग की है। और कोई कोई अपने गुण मूरत की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है, विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रूहानी विचित्र तारा मंडल है। ये कैसा तारा मंडल है? रूहानी विचित्र तारा मंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है तो विश्व के स्थूल सितारों का प्रभाव का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। लाइन समझे? मतलब जो बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान सितारे, जैसे भी सितारे हैं, जैसी भी विश्व विशेषता वाले हैं, उनका प्रभाव दुनिया पर पड़ता है और उन सितारों पर भी पड़ता है, और उन सितारों का प्रभाव भी इस दुनिया पर पड़ता है। दोनों का,
वो हैं स्थूल सितारे और हम हैं चैतन्य सितारे। वो हैं स्थूल सितारे और हम हैं चैतन्य सितारे। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है। जितना आप सब बनते जाते हो उतना असर भी पड़ता रहता है, आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। जितना घोर अंधेरा होगा सितारे उतना तेज अच्छी तरह चमकते हुए रिमझिम करते हुए दिखाई देते। ऐसे अप्राप्ति के का अंधकार बढ़ता जा रहा है ना चारों तरफ। कौन सा अंधकार बढ़ता जा रहा है? अप्राप्ति का। दुनिया के पास आज सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, पवित्रता नहीं है, आनंद नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा बहुत जिनके पास था वो और कम होता जा रहा है। तो जब अंधेरा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जितना बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा आगे और बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे, ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय काया, फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। सभी कैसे दिखाई देंगे? ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में, आत्मा ज्योति बिंदु के रूप में, काया फरिश्ते के रूप में और दिखाई देगी। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वे अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे, आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। ये कौन है? कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने के लिए आए? जैसे स्थापना के आदि में, जब शुरू शुरू में स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा के पास जो भी आते थे आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण। ये कौन है? ये क्या दिखाई देता है? ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर ये दोनों रूप, नंबर एक ज्योति और दूसरा फरिश्ता। ज्योति माना परम अवस्था का, फरिश्ता माना सूक्ष्म अवस्था का। ज्योति माना परम अवस्था का, फरिश्ता माना सूक्ष्म अवस्था का। उसमें बाप दादा, बाप है ज्योति और दादा है फरिश्ता। और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी, सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का, एक से अनेकों का इस तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। सभी का, एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी ये दिव्य दृश्य आप सबके सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है, संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः, सहज भी और स्वतः अनुभव करें, तब वो साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे, साक्षात्कार में दिखाई देंगे। ये वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया, ये वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है।
कोई विशेष बच्चे, कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे, वह सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं, यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना, हर आत्मा की जो भी उनकी भावना हो उनको क्या दें, फल दें। भावना हद की नहीं, हद की भावना का फल नहीं देना। कौन सी भावना का फल देना है? बेहद रूहानी, जिस्मानी नहीं लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते हैं, शक्तियों को के सहयोग की भावना रखते हैं, खुशी की भावना रखते हैं, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते हैं, उमंग उत्साह की भावना रखते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना। अपना उनको सहयोग दो, उनको अनुभव कराओ, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेवा भाव। सिर्फ स्पीच करके, भाषण करके आ गए या ग्रुप को समझा कर आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए व सेंटर खोल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहते, इसको सेवा भाव नहीं। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना, ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है, तपस्या साथ होती है, बिना तपस्या के सेवा। तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना, मुझे ये करना ही है, दृढ़ संकल्प से। जहां यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग तपस्या सेवा, त्याग तपस्या सेवा, इन तीनों का कंबाइन रूप सच्ची सेवा है, इन तीनों का कंबाइन रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है, वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया, और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है, अल्पकाल का के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। मतलब आपने थोड़ा सा कुछ सेवा की तो थोड़ी देर के लिए आपकी महिमा हो गई, खत्म का। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, ये है सच्ची सेवा, ये है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या ना हो तो ये 50-50 50-50 वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% वाली सेवा। त्याग तपस्या नहीं है, यदि सच्ची सेवा में त्याग और तपस्या नहीं है तो वो 50% वाली सेवा नहीं है,
वो 20% वाली से 25% वाली से। सच्चे सेवादारी की निशानी है, अब निशानी बता रहे हैं, त्याग। त्याग का मतलब होता है नम्रता, त्याग का मतलब होता है नम्रता। और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। बस जो बाबा ने कहा है वही मुझे करना है, यही निश्चय और इसी में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे ऐसी सेवा मत करो जिससे तुम खुद डिस्टर्ब हो, दूसरे भी डिस्टर्ब हैं, ऐसी सेवा करने का क्या फायदा। ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। सेवा का विशेष गुण क्या है? संतुष्टता। जहां संतुष्टता नहीं वहां स्वयं से चाहे संपर्क वालों से वे सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी और ना दूसरों को प्राप्ति कराएगी। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए फिर सेवा में आवे। जो खुद संतुष्ट नहीं है वो औरों को सेवा नहीं करा सकता। संतुष्ट मणि बनाए फिर सेवा में आवे वो अच्छा, नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, कोई ना कोई अंदर भारीपन है। वे अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है, उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसे समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, एकांतवासी बनना अच्छा है। क्योंकि एकांतवासी बनने से स्वयं परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वो सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप दिन रात बैठे रहो ये तपस्या करो, उस तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा है। आप यदि तपस्या में बैठे हैं तो वो भी क्या है? सेवा है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना। लाइट हाउस माइट हाउस बन, पहले अपने आप को लाइट हाउस बनाओ कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मेरे से ही सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान की प्राप्ति होनी। जब आप ज्ञान देंगे सर्व आत्माओं को तो आप हैं लाइट हाउस। और माइट हाउस, जब गुण और शक्तियां आप सब आत्माओं को दे रहे होंगे उस समय आप हैं माइट हाउस। लाइट हाउस माइट हाउस। शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना, मतलब आपने अपने संकल्प इतने पावरफुल बनाने कि आपके चारों तरफ का वायुमंडल इतना अच्छा हो जाए कि जो भी उस वायुमंडल में आए वो
बदल जाए। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है। तपस्या का मतलब है दृढ़ता से बैठना, दृढ़ता से कोई कार्य करना, परंतु इसके साथ जुड़ी हुई है, अलग नहीं है, नहीं तो तपस्या क्या करेंगे। श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा तो वो अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्वशक्तियों से संपन्न बन दृढ़ सिद्धि दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। दृढ़ सिद्धि और दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना, सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है, वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या और सेवा में भी संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, तपस्वी रूप की दृष्टि भी क्या करती है, सेवा करती है। शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है, आपका चेहरा शांत स्वरूप है तो उससे भी सेवा होती है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से ही भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है, इसलिए आजकल देखो जो हठ से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी, जो हठ करके भी जिद करके तपस्या कर रहे होते हैं हठ योगी, उनके पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। ये आपकी तपस्या का प्रभाव है, तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा, सेवा भाव किसको कहा जाता है, सेवा भाव अर्थात सर्व की कामनाएं पूरी कर, सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। और कितनी भी किसकी कमजोरियां हो उसको क्या करेगा, अपने में समा लेगा, स्वयं सहन कर दूसरों को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति का, सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना मरना नहीं है, कहेंगे तो हम ही सहन करते रहे, हम ही मरते रहे, हमने क्या किया, उनको क्यों नहीं कहता बाबा के सहन करें, हमने मरना है क्या। सहन करते करते मर जाएंगे, हम कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या, लेकिन ये मरना नहीं है, ये जिंदा मतलब से मरना नहीं है, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है, सबके दिलों में स्नेह से जीना है, प्यार से रहना है। कैसा भी विरोधी हो, कैसा भी रावण से भी तेज हो,
एक बार एक बार नहीं दस बार महान दस बार सहन करना पड़े फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी है। सहन शक्ति का प्रभाव क्या है, फल कैसा है, अविनाशी। सहन शक्ति का फल अविनाशी है और मधुर मीठा है। वे भी जरूर बदल जाएगा, सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया, मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे, सारा मुझे ही सहन करना है क्या। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। क्या करना है, इस वर्ष गोल्डन चांस मिला है। इस वर्ष ये नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की सेवा में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मिलेगा। समझाना, इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, गीता का लास्ट ज्ञान स्वरूप नष्टो मोहा स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट मणियों को सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या सेवा का प्रभाव डालें। एक ही समय पर सदा, समय भी प्रकृति भी तपस्या सब खराब कर। संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या का प्रभाव डालने वाले विशेष प्रभावशाली आत्मा भव। प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात होगी। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के, कैसी भी परिस्थितियों अचल।
कोई हलचल नहीं। आग लग गई है, बाढ़ आ गई है, भूकंप लग गया, मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई नुकसान। यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो, ड्रामा की हर सीन को जानते हो, नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही चलती, स्वतः ही अचल रहती। आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती। तो कभी वायुमंडल से घबराना नहीं, तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो, निर्भय हो, कोई डर तो नहीं लगता, शक्तियां निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा डर लगता है, वायुमंडल थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ये तो है, ये तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वार होनी है। कैसे होती थी उसकी झलक खाएंगे। जानते हो कि भारत में सिविल वार होनी ही है, ये शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है, कोई भी दिखाया है, वे होना तो है ना, जो दिखा रहे हैं वो होना तो है ना। वे होना तो है ना, भारत का प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम दिखाया है, वे होना है। भारत का पार्ट ही सिविल वार, भारत में ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, सिविल वार। इसलिए नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। या घबरा जाते हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, हुआ ये समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखने और औरों को दिखाने, समाचार सुनाने जैसा चारों ओर शक्ति देते ये काम होता है, यही काम होता है ना। आप सबका, दुनिया वाले घबराते रहते हैं और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते हो जो फिर संपर्क में आएंगे। उन शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो, शांति के मैसेंजर हो। शांति के दूत समझकर चलो, शांति के दूत शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत रहना चाहिए। शांति का संदेश देने वाले तो स्वयं भी शांत स्वरूप हैं,
शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वे अशांति आप शांति दो, वे और निर्ग वे आग लगाए आप पानी डालकर आग को बुझाए। यही काम है ना, इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है लेकिन आत्मा शक्तिशाली है। आत्मा कभी कमजोर नहीं है। वो अशांति देवे तो आप शांति दो, कोई भी वे शक्तिशाली वे क्या होते हैं शक्तिशाली, वे आग वे शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी शक्तियां देते रहे। वो अशांति देवे आप उनको क्या दो शांति, वो आग लगाए आप पानी डालो। यही काम है ना, इसका मत इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर एक शरीर छूट भी जाए तो दूसरे में याद आती है। एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। एक शरीर छूट गया दूसरा शरीर लेंगे, प्रारब्ध तो चलती रहेगी ना। तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी, इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। ये स्मृति सदा रहती है ना, सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, आगे बढ़ाते चलो। औरों को भी आगे बढ़ाओ, ये सेवा है। गवर्नमेंट की कोई भी नियम होते नहीं, कोई भी ऐसे कोई नियम नहीं होते। तो उनको पालन करना है, जो नियम बना लिए, जो संस्कार अपने जीवन में बना लिए, उनको पालन भी तो करना पड़ता है ना। लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से, वाचा से, स्वयं से, जैसा सेवा, जितनी आत्माओं की सेवा एक साथ कर सकते हैं। जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब तो दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे मास्टर शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो, चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति सागर हूँ, मास्टर शांत शक्ति दाता हूँ। मालिक बताकर मास्टर शक्ति दाता भी हैं। तो विधाता भी हो, चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ।
इस स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वो महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति होती है। तो यही वरदान याद रखना है कि बाप समान बनना है। अभी सभी बहादुर हो ना, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं आए। कितनी हलचल हो, कैसी समस्याएं, कैसी परिस्थितियां, मुसीबतें आए, परंतु व्यस्त संकल्प रहित तो नहीं होंगे ना। क्या होगा, ये तो होगा ही ना। ये यथार्थ है, जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। दूसरों को क्या दो, शक्ति दो। ये भी साइड सीन है। साइड सीन, शक्ति दो, ये भी साइड सीन आती है, ये भी एक बाई प्लाट चल रहा है। बाई प्लाट समझ कर देखो तो घबराएंगे नहीं, बाई प्लाट सब समझ कर देखो तो फिर तुम घबराएंगे। अच्छा, विदाई का टाइम आ गया, अमृत वेला सवेरे सवेरे, ये संगम युग अमृत वेला है, पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय के सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ हैं। इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से अनाज भी सभी महंगे हैं। लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग करो, गोल्डन चांस, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वो बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं, सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड हो और भी डायमंड बनाने की है। इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग नहीं की, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। बाबा हम सबको क्या कर रहे हैं, हम सदा साथ रहेंगे इसलिए गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज का वरदान है पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी बनो।
आज का स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके लिए उनके अनुभवों में खो जाओ, अनुभवी ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आज का वरदान, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपनी सेवाधारी बनाओ, अपना सेवाधारी बना लो, माया जीत स्वराज्य अधिकारी बनो। परंतु कैसे बनना है? जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांच तत्व का और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अधीन होकर चलेंगे। पहले महाराजा चलते थे ना, पीछे से एक लटका रहता था, महारानी चलेगी, दासियां उठा के चलेगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। कौन सी ड्रेस? टाइटल की ड्रेस। टाइटल्स क्या है? हमारे स्वमान। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार वा वे विकार वा तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। ओम शांति।